नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोलकाता से दरभंगा के लिए देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की शुरू हुई सेवा। राज्य में बाढ़ के हालातों के बीच उप मुख्यमंत्री ने लिया जायजा। 9 जुलाई तक बिहार के कई हिस्सों के लिए जारी हुआ भारी बारिश का अलर्ट। तेजस्वी ने MY पार्टी की जगह राजद को बताया A to Z की पार्टी। कल से खुल रहे हैं राज्य के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। 9 जुलाई तक बिहार के कई हिस्सों के लिए जारी हुआ भारी बारिश का अलर्ट। सुबह बिहार में मॉनसून की बारिश ने अच्छा खासा असर दिखाया है। इस वक्त मॉनसून के साथ ही बिहार से दो टर्फ लाइन भी गुजर रही है। पहली पूर्वी यूपी से लेकर असम तक और दूसरी झारखंड से ओडिशा तक दो टर्फ लाइनें गुजरने के कारण बिहार के उत्तरी और दक्षिणी भाग में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने इस तरह की स्थिति 9 जुलाई तक रहने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे के दौरान बांका में सबसे ज्यादा 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मध्य बिहार का वातावरण शुष्क बना रहा। वहीं मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक समस्तीपुर, मधुबनी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने का अनुमान जारी किया है। बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि आज 35 सालों बाद भी है रहस्य। भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी व कांग्रेसी नेता बाबू जगजीवन राम की आज 6 जुलाई को पुण्यतिथि है, मगर साल 1986 में उनकी दुनिया को अलविदा कहने के बाद भी उनकी मौत की तारीख का रहस्य अभी भी विवादों में है। कहा जाता है कि बाबू जगजीवन राम का निधन 4 जुलाई को ही हो गया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपनी मॉरिशस यात्रा को टालना नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी मौत को बढ़ाकर 6 जुलाई कर दिया गया। उनकी मौत खबर को 4 जुलाई को ही ऑल इंडिया रेडियो ने प्रसारित कर दिया था। उस वक्त राजीव गांधी एक बड़ी मीटिंग के लिए मॉरिशस दौरे पर जा रहे थे। एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें खबर मिली कि जगजीवन राम का निधन हो गया, जिसके बाद वो अस्पताल पहुंचे, जहां बाहर से ही उनके सुरक्षा इंचार्ज गौतम कौल ने उनके कान में कुछ कहा, जिसके बाद वो बगैर उतरे मॉरिशस के लिए वापस रवाना हो गए। हालांकि बाबू जगजीवन राम की पोती ने आरोप लगाया कि जगजीवन राम की मौत 4 जुलाई को ही हो गई थी, मगर उसे छिपाया गया। आपको बताते चले कि साल 1934 में जब पूरा बिहार भूकंप की तबाही से पीड़ित था, तब बाबूजी ने बिहार की मदद व राहत कार्य के लिए अपने कदम बढ़ाए थे और तभी उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई थी। कोलकाता से दरभंगा के लिए देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की शुरू हुई सेवा। बीते दिन सोमवार को दरभंगा एयरपोर्ट पर एक नया इतिहास बना। पहली बार देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो की फ्लाइट 6E6919 कोलकाता से उड़ान भरकर दरभंगा पहुंची। सबसे खास बात तो यह है कि बिहार के लिए आने वाली इस ऐतिहासिक फ्लाइट के पायलट कोई और नहीं बल्कि भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी ही बने। रूडी एक नेता और सांसद होने के साथ साथ एक विमान पायलट भी है। पिछले 10 सालों में उन्होंने लड़ाकू फाइटर प्लेन राफेल व सुखोई की भी सफलतापूर्वक उड़ाने भरी है। वहीं दरभंगा हवाई अड्डे पर विमान को उतारने के बाद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी विमान सेवा का दरभंगा पहुंचना ऐतिहासिक पल है। इसके माध्यम से पूरे देश के साथ विदेशों को भी जोड़ लिया जाएगा। साथ ही साथ इस हवाई अड्डे से सहरसा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, मधुबनी, सुपौल समेत बिहार के 17 जिलों के लोगों को लाभ मिलेगा। तेजस्वी ने MY पार्टी की जगह राजद को बताया A to Z की पार्टी। राष्ट्रीय जनता दल के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर राजद का एक नया रूप सामने आया है। जहां एक तरफ RJD को MY यानी कि मुस्लिम यादव की पार्टी के तौर पर जाना जाता था, वहीं इस बात से अब खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीछा छुड़ाया है। तेजस्वी ने रजत जयंती समारोह को संबोधित करते वक्त बताया कि RJD सबों की पार्टी है। RJD के खिलाफ उसे MY की पार्टी बताकर साजिश रची गई। पहले के दौर की गलतियों के लिए तेजस्वी ने माफी मांगते हुए कहा कि हम में कोई कमी रह गई है तो माफी मांगते हैं, क्योंकि अपनी गलतियों को महसूस कर आगे बढ़ना अच्छा होता है। तेजस्वी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमने लालू जी के विचारों के साथ सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और A to Z को जोड़कर आगे बढ़े थे, इसलिए लोगों ने हमें नंबर 1 पार्टी बताया। बिहार में कोचिंग संचालकों को कोई छूट नहीं मिलने से खराब हुई स्थिति। कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने शिक्षा जगत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज्यादा निजी स्कूलों और छोटे बड़े कोचिंग संचालकों की स्थिति इस दौर में खराब हुई है। अनलॉक 4 में कल से 10वीं से ऊपर के सरकारी स्कूल कॉलेज तो खुल रहे हैं, मगर इस बीच कोचिंग संचालकों को कोई राहत नहीं दी गई है और अगले 1 महीने तक कोई राहत मिलने की संभावना भी नहीं है। ऐसे में बिहार के कोचिंग संचालकों का धंधा साल भर से चौपट हुआ पड़ा है और रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इस बीच संस्थानों के संचालकों की मांग है कि जिस तरह दूसरे राज्य जैसे कि तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति दी गई, उसी तरह बिहार में भी कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उनके सामने रोजी रोटी के अलावे सेंटरों का किराया, स्टाफ का वेतन, बिजली बिल और अन्य खर्चों के भुगतान करने की बड़ी समस्या खड़ी है।
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने बताई हफ्ते में 5 दिन टीका लगने की वजह। बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के बीच सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है और अब हफ्ते में 5 दिन ही कोरोना के वैक्सीन लगाने का आदेश जारी किया गया है। इसके मुताबिक हफ्ते में सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को वैक्सीन लगेंगे, जबकि रविवार को टीकाकर्मियों को अवकाश मिलेगा। इस फैसले को कई लोग बिहार में टीका की कमी से भी जोड़ रहे थे, मगर इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने चुप्पी तोड़ते हुए वजह स्पष्ट किया है। मंगल पांडे ने कहा कि सभी जिलों में स्वास्थ्य कर्मी लगातार 6 महीने से टीकाकरण कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने इन्हें थोड़ी राहत देने का फैसला किया है। स्वास्थ्य कर्मियों के स्वास्थ्य को भी देखना जरूरी है, क्योंकि आगे बड़ा लक्ष्य तय करना है। चिराग पासवान ने उनके अपनों पर लगाया खंजर घोंपने का आरोप। बीते दिन स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती पर उनके कर्मभूमि हाजीपुर से उनके पुत्र व लोजपा सांसद चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर वे काफी भावुक दिखे और लोजपा में टूट की असली वजह उनके अपनों का ही धोखा दे देने को बताया। यात्रा के क्रम में हाजीपुर के सुल्तानपुर पहुंचने पर एक मंच से उन्होंने कहा कि पिता रामविलास पासवान इस भूमि को अपनी मां के समान मानते थे, मगर उनकी मौत के 9 महीने के बाद ही परिवार के लोगों ने ही मेरी मां की पीठ पर खंजर भोंका है। उन्होंने लोगों के साथ देने की अपील करते हुए कहा कि सबके साथ से ही नया बिहार बनाऊंगा। वहीं चिराग के संसदीय क्षेत्र जमुई की जगह हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू करने के पीछे की वजह पर चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर पिता की कर्मभूमि है, इसलिए इस भूमि के गोद में बैठकर आशीर्वाद देना है। कल से खुल रहे हैं राज्य के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज। बिहार में अनलॉक 4 का फेज कल बुधवार से शुरू होने वाला है और इस फेज में सरकार ने बड़ी राहत देते हुए सीनियर छात्रों के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोलने की छूट दी है। हालांकि अभी 10वीं से ऊपर के छात्रों के लिए ही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल कॉलेज, सरकारी ट्रेनिंग संस्थान खुलेंगे और वो भी 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। यह गाइडलाइन 7 जुलाई से 6 अगस्त तक के लिए लागू रहेंगे। इस दौरान विश्वविद्यालय स्तर पर किसी भी तरह की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। सरकार के आदेश ही आगे परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। वहीं इन संस्थानों में सभी 18 प्लस से ऊपर के छात्रों और स्टाफों को कोरोना का टीका लगाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। नवंबर तक गरीबों को मुफ्त अनाज देने के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न का हो रहा है आवंटन। कोरोना काल में सरकार ने इस साल में नवंबर महीने तक गरीबों को मुफ्त में 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं हर एक महीने देने की घोषणा की है। इस दरमियान बिहार में जुलाई से नवंबर 2021 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8.71 करोड़ गरीबों को मुफ्त 5 किलो अनाज दिए जाएंगे, जिसके बाबत जानकारी देते हुए भारतीय खाद्य निगम बिहार क्षेत्र के महाप्रबंधक संजीव कुमार भदानी ने कहा है कि इस योजना के लिए 21.77 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन किया गया है, जिसमें चावल 13.06 व गेहूँ 8.71 टन की मात्रा में आवंटित होने हैं। साथ ही FCI बिहार क्षेत्र के महाप्रबंधक ने ये भी दावा किया कि वर्तमान में FCI बिहार क्षेत्र के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न राज्य सरकार के उठाव के लिए उपलब्ध है। चिराग ने नीतीश कुमार को बताया दलित विरोधी मानसिकता वाला CM। विधानसभा चुनाव से ही चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं रही है। यही कारण था कि केंद्र में NDA को समर्थन करने के बावजूद राज्य में चिराग ने NDA से हटकर अकेले चुनाव लड़ा था। वहीं अब उन्होंने मुख्यमंत्री को दलित विरोधी बता दिया है। बीते दिन हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू करने के दौरान चिराग पासवान ने अपने पिता के गढ़ में जनता से आशीर्वाद मांगा और इस दौरान बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। चिराग पासवान ने हाजीपुर के सुल्तानपुर में दलित बस्ती में आयोजित जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री दलित विरोधी मानसिकता रखते हैं। लोजपा को तोड़ने के लिए वे 10 सालों से विभिन्न चुनावों में प्रयास करते आ रहे थे और आखिरकार मेरे पिता के मरने के कुछ ही महीने के बाद वे अपने प्रयासों में सफल हो गए। बिहार कांग्रेस के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए तेज हुई गहमा गहमी। बिहार में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लिहाजा पार्टी के आलाकमान ने मजबूती के साथ नए प्रदेश अध्यक्ष को चुनने के लिए राय मशविरा शुरू कर दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने बिहार के सीनियर कांग्रेसी विधायकों, सांसदों और विधान पार्षद सदस्यों को दिल्ली बुलाया है, जहां कल 7 जुलाई को सभी नेता दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर अपनी राय देंगे। इस संबंध में बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास भी राज्य के नेताओं से बात कर चुके हैं और अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंप भी चुके हैं। जानकारी के मुताबिक भक्त चरण दास ने किसी दलित नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की सलाह दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू और लोजपा के मंत्री भी हो सकते हैं शामिल। केंद्र की मोदी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार संभवतः 7 या 8 जुलाई को होने की संभावना जताई जा रही है और इस कैबिनेट विस्तार में जदयू और लोजपा के नेताओं को जगह देने की बात भी जोरों पर है। इस दरमियान लोजपा के पारस और चिराग पासवान पर कैबिनेट में चुने जाने को लेकर संशय बना हुआ है। इस बीच गृह मंत्री
गृहमंत्री अमित शाह ने लोजपा संसदीय दल के नेता पशुपति पारस को फोन किया है, जिसके बाद से बिहार की सियासी हलचले और भी तेज हो गई है। अमित शाह के फोन को कैबिनेट विस्तार के मामले से ही जोड़ा जा रहा है। हालांकि पारस ने इन बातों को खारिज किया है और कहा कि अमित शाह ने फोन करके स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक जदयू खेमे से भी मंत्री बनाए जाने की बात आ रही है। कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं कि जदयू के 3 लोगों को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जाए। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिल्ली पहुंचने के साथ ही कैबिनेट विस्तार की हलचले हुई तेज। केंद्र की मोदी सरकार में कैबिनेट विस्तार 1-2 दिन में होने की संभावना काफी तेज हो गई है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी आज दिल्ली पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिमाचल प्रदेश से दिल्ली आकर सहयोगी दलों के साथ बातचीत करेंगे। बताते चले कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों की जगह खाली होने के बाद लंबे समय के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। इसे लेकर बिहार में सुगबुगाहट भी तेज है और जदयू और लोजपा के नेताओं के नाम भी शामिल होने की बात कही जा रही है, जिसमें बिहार से सुशील कुमार मोदी, पशुपति कुमार पारस व आरसीपी सिंह के नाम शामिल होने की बात हो रही है। राज्य में बाढ़ के हालातों के बीच उप मुख्यमंत्री ने लिया जायजा। बिहार से सटे नेपाल में हो रही लगातार बारिश और बिहार के कई जिलों में भारी बरसात के कारण नदियां उफान पर है, जिससे महानंदा, गंगा और कोसी जैसी बड़ी नदियों में जल का स्तर बढ़ा है और हालात बाढ़ के जैसे हो गए हैं। इस खतरे के बीच डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बाढ़ग्रस्त इलाकों की स्थिति और तैयारियों को लेकर मीडिया को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार पहले से ही बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गंभीर है और विभाग के मंत्री इस पर विशेष नजर रखे हुए हैं। जिन इलाकों में बाढ़ है उन इलाकों में लगातार लोगों तक सहूलियत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि महानंदा, गंगा और कोसी इलाकों में खतरे की संभावना वाले इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि बाढ़ के हालात में लोगों को कम से कम समस्या का सामना करना पड़े। तटबंध की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही नहीं की जाएगी, लगातार तटबंध की पेट्रोलिंग की जाएगी, इससे लीकेज सहित अन्य मुश्किलों को वक्त रहते सुधार लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल जलस्तर खतरे के निशान से काफी नीचे है। दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व कप्तान श्रेयस अय्यर हो गए हैं फिट। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण की शुरुआत में अभी लगभग 2 महीने का समय बचा है। वहीं दूसरे चरण की शुरुआत से पहले दिल्ली की टीम के लिए खुशखबरी आ रही है। दरअसल आईपीएल से पहले इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर थी, तभी T20 सीरीज के दौरान श्रेयस चोटिल हो गए थे और उनकी जगह टीम प्रबंधन ने युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम का कप्तान बनाया था। वहीं अब श्रेयस अय्यर ने द ग्रेट क्रिकेटर्स के यूट्यूब चैनल के जरिए अपने हेल्थ अपडेट के बारे में जानकारी दी है। इस दौरान बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि उनके कंधे के इलाज की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अंतिम चरण में स्ट्रेंथ और रेंज हासिल करने पर काम चल रहा है, इसमें लगभग 1 महीने का समय लगेगा। फिलहाल उनकी ट्रेनिंग चल रही है, उन्हें लगता है कि आईपीएल में वह खेल सकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार हफ्ते में 5 दिन वैक्सीन देने का बिहार सरकार के फैसले से आप सहमत हैं या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।